जो है वो टाइम कम हो गया है। पहले 2 घंटे की क्लास थी पहली, अब वो 1 घंटे की हो गई है। भाई जो लाजवाब लोग होते हैं अक्सर लेट ही आते हैं। अब तीसरे क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है कम्युनिकेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हो गए। मैं आपका भाई एकदम जबरदस्त जिंदाबाद। तो एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद करता हूँ। टाइटल देख के आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, आज मैं आपको यूनिवर्सिटी रूटीन, रमज़ान में यूनिवर्सिटी रूटीन दिखाऊंगा अपनी, कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी रूटीन है रमज़ान में। तो अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं, 8 बजे वही शेड्यूल है, 8 बजे स्टार्ट है क्लास पहली। लेकिन जो है वो टाइम कम हो गया है। पहले 2 घंटे की क्लास थी पहली, अब वो 1 घंटे की हो गई है, मतलब हाफ टाइम हो गया, आधा टाइम। पहली क्लास 9 बजे ख़त्म है, 9:10 पे दूसरी क्लास 10:30 बजे स्टार्ट होगी, और लैब है वो दूसरी क्लास, और वो ख़त्म होगी 2 घंटे की क्लास होगी वो भी, और तकरीबन 11:30 बजे ख़त्म हो जाएगी वो भी। उसके बाद तीसरी क्लास होगी कम्युनिकेशन की, वो स्टार्ट होगी 12 बजे, और वो 3 घंटे की क्लास है कम्युनिकेशन की, वो 3 बजे ख़त्म होगी। और उम्मीद है आपको आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। अगर तो व्लॉग पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज मैं आपको पूरी रूटीन दिखाऊंगा अपनी यूनिवर्सिटी की, तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आने वाला है आपको। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, बस थोड़ा सा सफ़र रह गया, पहुँचने ही वाला हूँ आपको, यूनिवर्सिटी जाके मिलता हूँ। अहमद और अरसलान से भी मिलते हैं, हफ्ता हो गया नहीं मिले। रमज़ान मुबारक भी कहते हैं दोनों को, मिलते हैं और रमज़ान मुबारक कहते हैं। अहमद भाई, अहमद भाई हमें नीचे ही मिल गए लिफ्ट में। अहमद भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? फिट फाट, आराम फरमा लिया आपने हफ्ते का? प्रेजेंटेशन देके फारिग हो गए हैं सारे? टोटली फारिग। खुशी आज तक नहीं हुई। प्रेजेंटेशन देके हुई इतनी खुशी है? पहुंच गए यूनिवर्सिटी, चले गए, पहले पे जा रहे हैं, अरसलान का वेट है, हम दोनों आ गए हैं, नीचे ही मिल गए लिफ्ट पे ही। तो अब अरसलान से भी मिलते हैं, उसको भी रमजान मुबारक कहते हैं। Because you said it's going to be open book, but it says closed book. I confirmed with the course coordinator. It is actually development methodologies. Methodologies are something there. We are just going. We are taking the steps. We have different methodologies of SDLC, such as waterfall model. Then we have agile. Then we have object oriented. Then we have Scrum. We have many different methodologies. Here we will see what type of methodologies you have to study. So these are things we can also do, because whenever we are doing any production, since it is with the help of software, we are getting accurate. We can see here it is a combination of integer. It is. यार पहली क्लास डन हो गई है, अब अरसलान से मिलते हैं, रमजान मुबारक। अरसलान भाई रमजान मुबारक। लेट क्यों आए हो आज? लेट क्यों आए हो? रास्ता भूल गया। अच्छा जवाब था यार, अब नहीं दूंगा जवाब, बहुत अच्छा जवाब था मेरे पास। दोबारा रिकॉर्ड करो। और कैसे हो? ठीक ठाक हो? दोबारा रिकॉर्ड करो पूरी। ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है। चलिए अब अगली क्लास में जवाब तो सुन लो मेरा। जवाब सुना दो यार, अब जवाब सुना दो।
भाई जो लाजवाब लोग होते हैं वो सर लेट ही आते हैं। क्या बात है, अभी बात कर दिया है मोली साहब। मैं भी बोलता हूँ। कंप्यूटर लैब 109। Five minutes later. अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डन हो गई है। अब तीसरे क्लास की तरफ बढ़े हैं और वो है कम्युनिकेशन 206 रूम में। चूतिया क्लास। तीन घंटे की क्लास होए होए होए। पांच मिनट की ब्रेक मिली है नमाज पढ़ने के लिए, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं उसके बाद क्लास में चलते हैं। टाइम नहीं है क्योंकि 2 बज रहे और अभी छुट्टी का टाइम भी होने वाला है, जल्दी जल्दी चलते हैं नमाज पढ़ने। भाई होगी फाइनल, फाइनली क्लास खत्म हो गई है। तो ये था भाई का शेड्यूल जो रमजान में हुआ करेगा अब से, और उम्मीद है आपने आज का व्लॉग भी पसंद किया होगा। अगर तो आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।